तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ के बारे में, तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक बाजार में, जहां पे आपको मिलेगी बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, आईपीओ, आईपीओ के जीएमपी एंड साथ ही साथ शेयर्स के लेवल एंड और भी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कई सारी न्यूज, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग करने में काफी हेल्प हो सके। तो इसके लिए चैनल से अभी नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं उस कंपनी के बारे में जिसका कि आईपीओ आने वाला है। तो सबसे पहले बता दें कि ये आईपीओ ओपन होने वाला है 10 अक्टूबर के दिन, यानी कि मंडे के दिन। तो आइए पहले बात कर लेते हैं कंपनी की कुछ डिटेल्स के बारे में। तो इस कंपनी का नाम है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज आईपीओ, यानी कि ये आई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये कंपनी की बात करें तो 2013 से ये काम कर रही है एंड तो ये कंपनी अपने कस्टमर्स को अपने एक्सटेंसिव ग्लोबल डेटाबेस एंड कस्टमाइज सॉल्यूशन एंड फीचर्स के द्वारा अलग अलग सेक्टर्स एंड जियोग्राफी वाइज कंपनी को ट्रैक करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वहीं अगर हम कितनी कंपनीज इस प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है एंड उसकी डिटेल्स हम निकाल सकते हैं उसके नंबर वाइज देखें तो ये ग्लोबली टॉप 5 प्लेयर्स में आती है, यानी कि कंपनी का अपने बिजनेस में स्थान काफ़ी आगे की ओर निकला हुआ है। तो ये भी हमारे आईपीओ अप्लाई करने से पहले काफ़ी अच्छी बात हो गई। तो वहीं अगर हम देखें तो ये कंपनी ऑपरेटिंग करती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के तौर पे, यानी कि इसमें एसेट लाइट बिजनेस मॉडल काम करता है। तो कंपनी को अपने एसेट्स के लिए इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। तो अब तक अगर मई 2021 के हिसाब से देखें तो कंपनी के ऊपर 662 मिलियन वेब डोमेन्स एंड प्रोफाइल चेक किए गए हैं एंड उसकी डिटेल्स निकाली गई है। तो कंपनी अपने कस्टमर्स को कंपनी का डेटा प्रोवाइड करती है, जो कि डील सोर्सिंग के लिए, आइडेंटिफाई M&N टारगेट्स के लिए, डील डिलीजेंस के लिए, एनालिसिस एंड ट्रैकिंग, इमर्जिंग थीम्स के लिए कस्टमर्स यूज करते हैं एंड उसको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में हेल्प होती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है एंड ग्लोबली भी इसका बिजनेस है एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इतना ज़्यादा कुछ इसमें मेंटेनेंस का भी खर्च नहीं आने वाला है। तो वहीं अगर हम बात करें आईपीओ की डिटेल्स के बारे में तो ये कंपनी का आईपीओ जैसा हमने कहा 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच खुला रहेगा एंड आईपीओ प्राइस की बात करें तो ये 75 से 80 रुपये पर शेयर का होने वाला है, जिसमें आपको लॉट साइज 185 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड पिछले आईपीओ से भी ये छोटा आईपीओ होने वाला है 309 करोड़ का एंड इसमें पूरे का पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, यानी कि इसमें प्रमोटर अपना माल बेच के निकलने वाले हैं। तो वहीं अगर हमारे लिए एक बुरी बात ये है कि एक तो छोटा आईपीओ है, उसमें भी केवल 10% ही रिटेल के लिए रखा गया है, तो ये काफ़ी बुरी बात है हमारे लिए अगर हम अप्लाई करना चाहते हो तो। तो वहीं अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो अलॉटमेंट इसका आ जाएगा 17 अक्टूबर को एंड इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 20 अक्टूबर के दिन। तो आप तैयार रहिएगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इसका डिटेल एनालिसिस वीडियो हम आपको संडे से पहले जरूर ला के देंगे, जिससे कि आपको अप्लाई करने से पहले एंड अप्लाई करने के बाद कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए स्टॉक बाजार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।